लगातार 8 दिन से धरना जारी, नहीं हो रही सुनवाई। जोबनेर के कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का मामला 8 दिन से कड़ी धूप में धरने पर बैठे स्टूडेंट भादवा सरपंच सीएम डोगीवाल, स्टूडेंट नेता रोहित तेतरवाल, शिनोदिया सरपंच गिरधारी कुल्हारी सहित अनेक संख्या में छात्र और छात्रा नेता मौजूद रहे। उनकी कोई बात नहीं मान रहा, उनकी कोई मांग नहीं मान रहा, क्या कुछ कहना? ये धरना हमारा लगातार 8 दिनों से जारी है। इसमें हमने कल विषय से बात हुई थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इनकी अर्धर्मिता है वो बहुत गलत है। और मैं विषय साहब को साफ साफ कह देना चाह रहा हूँ, अगर आपने भविष्य में ये धरना तो जारी रहेगा, जब तक पीस कम नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। इसमें मेरे छोटे भाई रोहित और 2-4 छात्र और मिलकर अभी गेट बंद करके कॉलेज का गेट बंद करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर भविष्य में किसी बच्चे के साथ आपने कुछ गलत किया हो, नोटिस अगर देना ऐसी हरकत की हो, तो वो आपके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। हमारे साथ NSU के प्रदेश सचिव रोहित तेतरवाल बने हुए हैं। रोहित जी, पिछले 8 दिन से छात्र जो है धरनारत है, आंदोलनरत है, उनकी विश्वविद्यालय प्रशासन जो फीस बढ़ोतरी को लेकर जो मांग है वो नहीं मान रहा, क्या कुछ कहना है? देखिए, VC साहब का तानाशाही रवैया है। जो स्टूडेंट्स पिछले 7 साल से धरने 7 दिन से धरने पे बैठे हैं, बंद हो गया ये VC साहब का एक तानाशाही रवैया है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट पिछले 7 दिन से यहाँ बैठे हैं और इस धूप में आज ध्यान में देख सकते हो कि बारिश आती नहीं है। उसके अलावा मतलब बहुत भयंकर तरीके से लगभग 50 डिग्री के लगभग यहाँ टेम्परेचर है। इस धूप में बच्चे बैठे हैं, हालत तो उनकी ख़राब हो रखी है, फिर भी VC साहब तानाशाही रवैया अपना रखे हैं। जो मैं उनको एक चीज़ की अभी चेतावनी दे देता हूँ कि अगर यही तानाशाही रवैया उनका रहा तो मैं रोहित तेतरवाल पूर्व NSU प्रदेश सचिव यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठूँगा और मेरे साथ जो भी NSU के पदाधिकारी मेरे साथी हैं वो मेरे साथ यहाँ बैठेंगे गेट बंद करके। और जब तक ये VC की तानाशाही ख़त्म नहीं होगी तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। और अगर भूख हड़ताल पे ये बात नहीं रुकी तो हम गांधीवादी तरीके से विधानसभा तक कूच करेंगे। देखिए, NSU के लिए सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे यहाँ है और NSU उसी पार्टी की एक छात्र संगठन है। लेकिन NSU का सबसे पहली मुहिम यही रहती है कि छात्रों के हित की बात हो और सरकार हमारी बात सुनेगी, यह हमें पूर्णतया विश्वास है। आज नहीं तो बाद में सुनेंगे, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि NSU स्टूडेंट्स के साथ है और NSU के जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स की लड़ाई है और NSU हमेशा छात्रों के लिए खड़ी रही है। और जहाँ जहाँ अहित की बात होती है वहाँ NSU कंधे से कंधा मिला के छात्रों के साथ चलती है, कभी पीछे नहीं हटती। और भविष्य में भी हम अगर कुछ और कुछ करना पड़ेगा तो मैंने आपको बताया कि गांधीवादी तरीके से हम विधानसभा तक कूच करेंगे और विद्यार्थियों की मांगे मनवा के रहेंगे।